प्रदूषण की समस्या के बाद अब बात बर्ड फ्लू की कर लेते हैं, जिसकी वजह से हजारों प्रवासी पक्षियों की जान खतरे में पड़ गई है। राजस्थान के जोधपुर से आई ये रिपोर्ट देखिए। ये उत्तरी रूस से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर हिंदुस्तान पहुंचे प्रवासी पक्षी हैं। इनकी तादाद एक दो नहीं बल्कि हजारों में है, लेकिन इस वक्त इन खूबसूरत परिंदों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जोधपुर के कापड़रा लेक के किनारे इन दिनों आपको बड़ी संख्या में तड़पते साइबेरियन क्रेन्स दिख जाएंगे। इन्हें एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की बीमारी हो गई है। जोधपुर में जल स्रोतों में 150 से ज्यादा क्रेन्स की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। 70-75 के करीब इनकी डेथ हुई है, तो अभी डॉक्टर से मैंने पता लगाया, उनका वैसे विसरा उन्होंने भेज रखा है जांच के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई एक बीमारी है जो कि बहुत फास्ट मूव करती है, तो इनमें वो बीमारी हो गई है। तो कोशिश की जा रही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, लेकिन क्योंकि एक ऐसा संक्रमण है कि पूरा इनमें फैल चुका है। साइबेरियन क्रेन्स को बचाने के लिए जोधपुर जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान भी शुरू किया है। जलाशयों की साफ सफाई हो रही है, दवाइयां डाली जा रही हैं, बीमार पक्षियों का इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स परिंदों की हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से मृत पक्षियों को जलाशयों के करीब ही दफनाया जा रहा है, उससे विशेषज्ञ काफी चिंतित हैं। जो भी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द सक्रिय हो जाए, जिससे बहुत बड़ी आपदा को होने से पहले टाला जा सके। जितने भी बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स अपन ले सकते हैं वाइल्ड बर्ड्स के लिए, उनको लिया जाए और एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल में ऐड किया जाए। जोधपुर में इन प्रवासी पक्षियों को स्थानीय भाषा में कुर्जा कहते हैं। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग मारवाड़ पहुंचते हैं। अभी सीजन की शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में लाखों साइबेरियन क्रेन्स यहां पहुंचेंगे। ऐसे में अगर वक्त रहते बर्ड फ्लू पर काबू नहीं पाया गया तो ये खूबसूरत परिंदे बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।